वो कम से कम 8 लेन का जो रोड है जिसमें 4 लेन जाने के लिए, 4 लेन आने के लिए, दोनों रोड जो है पूरी तरीके से जाम दिखाई दे रहा है पूरा जहां तक निकले जा रहे। ये देश छोड़कर भाग जाएगा जितने भी जो नेता चोर बैठे ना आज संसद में, जो तरफदारी कर रहे हैं पूंजीपतियों की, जो इनकी दलाली पूंजीपतियों से चलती है। किसान ने सरकार बनाई और जाकर बैठ गए पूंजीपति गोदी में, इनसे हिसाब लिया जाएगा सबसे एक एक बात का। ये दिल्ली 26 तारीख वाली ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग लाखों की तादाद में, आप देख लो कितने ट्रैक्टर है। ऐसे ही हम 26 तारीख में जाएंगे जब हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे। मोदी जी ने दिखा दिया कि हम कछु है का ना है। हाँ, हमने ही बनाए। मोदी जी तुम होश में आओ, काले कानून वापस लाओ। हाँ, बात माने की सरकार मानेगी कैसे ना, अरे बनाई हमने तो बिगाड़ो हम देंगे। आजादी का सपना हुआ सरकार भारत में, आजादी को भोग रहे साहूकार भारत में। शांतिपूर्ण तरीका से मैच जो देख रहे, दिल्ली का चारों तरफ आ गए हैं, चाहे तो मौजा और राकेश टिकैत जी ने कह दिया गोला लाठी तैयार है, गोला लाठी तैयार है, जब मर्जी जब लगा देंगे। सरकार झुकेगी तो हम हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे, बिल्कुल बिल वापस करेगी, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। ये तीनों काले कानून सरकार लेकर आई है, आज तो एक ट्रायल है 26 जनवरी की परेड के लिए, ट्रैक्टर आज तैयारी कर रहे हैं, पैरी फेल में घूम रहे हैं, और सरकार नहीं मानी तो यही ट्रैक्टर 26 जनवरी की परेड पर राजपथ पर दिखाई देगा, यह सरकार याद रखे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए किसानों ने जो है आज पेरिफेरल रोड पे है पूरा ट्रैक्टर टोली का मार्च निकाला है। इनका 3 मांग जो है वो पूले लेकर के जो है वापिस आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून काले कानून जो लाए हैं उसको वापस लेना ही पड़ेगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है पूरी गारंटी करना ही पड़ेगा। उसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन किसान की तरफ से जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी जो है लगातार 23-40 दिनों से जो है किसान डटे हुए हैं। आज 7 तारीख का आह्वान देते हुए किसानों ने जो है पेरिफेरल रोड से लेकर के पलवल तक का जो पूरा मार्च निकाला है, एक बार जो पूरा रूपरेखा जो है आप लोगों को देख करके समझ में आ रहा होगा कि कितने जोश के साथ में जो किसान भाई जो है आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पेरिफेरल जो रोड है वो कम से कम 8 लेन का जो रोड है जिसमें 4 लेन जाने के लिए, 4 लेन आने के लिए, दोनों रोड जो है पूरी तरीके से जाम दिखाई दे रहा है पूरा जहां तक निकले जा रही है, जहां तक निकले जा रही है वहां तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं, वहां तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। कैमरे की जहां तक नजर जा सकती है वहां तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं, वहां तक सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आ रही है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आज किसान जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ पूरे देश में भ्रमण करने की तैयारी कर चुका है, लगभग आधा रास्ता जो है सफर कर चुके हैं। किसानों का जब पूरा है प्रदर्शन जोर जोर से चालू है, कैमरे में से उदाहरण करूंगा, पूरा ट्रैक्टरों का जो काफिला है जोर शोर से देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं कुछ किसान भाइयों से कि क्या कहना है, किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है। क्या नाम है सर? सुमित तोवर। क्या कहना चाहते हैं आप, कहाँ तक जाएगा ये रैली? पलवल तक जाएगा। ये पूरे पेरी फेल पे घूमेगा, स्टैंड पेरी फेल पर। सरकार माननी पड़ेगी, सरकार की गलती है, सरकार अपनी गलती सुधारे और जितना अच्छा है सरकार के लिए जितनी जल्दी मान जाए। ये तीनों काले कानून सरकार लेकर आई है, आज तो एक ट्रायल है 26 जनवरी की परेड के लिए, ट्रैक्टर आज तैयारी कर रहे हैं, पैरी फेल में घूम रहे हैं, और सरकार नहीं मानी तो यही ट्रैक्टर 26 जनवरी की परेड पर राजपथ पर दिखाई देगा, यह सरकार याद रखे। भाई सरकार आज सत्ता में बैठे, किसान ने गलती कर दी सत्ता में बैठा के, और आज जब तक रोड पे घूम रहे हैं ठंड में, आज किसान इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज 5-6 राज्यों का किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ घूम रहा है, आप उठा कर दिखाओ कैमरा, कितने ट्रैक्टर तादाद में खड़े जो खेतों में काम करते थे आज वो रोडों पे घूम रहे हैं। ये सरकार जो मनमानी कर रही है, ये अपनी मनमानी में सुधार ला सरकार। जो क्या लगता है कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है जो रैली कर रहे हैं उसे सरकार कुछ बात मानेगी? ये तो सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीका से मैसेज देख रहे, दिल्ली का चारों तरफ आ गए हैं, चाहे तो मौजा और राकेश टिकैत जी ने कह दिया गोला लाठी तैयार है, गोला लाठी तैयार है, जब मर्जी जब लगा देंगे। पलवल यहाँ से होगा, 40 किलोमीटर दूर है पलवल यहाँ से, और ये तो छोटी सी वो है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है।
सरकार अपना दिमाग, अपना दिल और अपनी आत्मा साफ रखे। किसान है, देश का मालिक है, अन्नदाता है। आज तो ये छोटा सा एक ट्रेलर है सरकार के लिए। अगर किसानों ने फिल्म दिखा दी ना, ये देश छोड़कर भाग जाएगा। जितने भी जो नेता चोर बैठे ना आज यहाँ संसद में, जो तरफदारी कर रहे हैं पूंजीपतियों की, जो इनकी दलाली पूंजीपतियों से चलती है, किसान ने सरकार बनाई और जाकर बैठ गए पूंजीपति गोदी में, इनका हिसाब लिया जाएगा सबसे। एक एक बात का क्या लगता है आपको कि सरकार जो है अपनी नरमिता हटा करके आप लोगों की बातों को मानेगी? भैया सरकार हमारी है, जिद बैठ रही है कोई बात ना। हम बनाना जाना तो बिगाड़ना भी जाना है, गद्दी पे बैठा है तो उतार भी देंगे। उतर जाएगी, ज्यादा दिन की बात नहीं है। इतिहास उठाकर देखो ना, अभी एक भैया पूछ रहा है मोदी का रिकॉर्ड है, मतलब भाई कई साल का रिकॉर्ड है, 6 साल से तो प्रधानमंत्री है। ये देश जो है जब गुलाम था, उठाकर देख लो, जब भी अंग्रेजों का गुलाम रहा, जब भी मुगलों का गुलाम रहा, जब भी, और आजादी के बाद भी, आज 70 साल हो गए, 73 साल देश आजाद है। किसानों ने इस देश का मान सम्मान रखा, इस देश की रक्षा करी, इस देश को पालन पोषण किया, अन्न उगा के गर्मी में, जाड़े में, सर्दी में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किसान ने करा। और आज ये किसान को लूटना चाहते हैं, किसान के पेट में खंजर भोंकना चाह रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार अपनी मनमानी जो कर रही है ना, ये किसान का नुकसान नहीं है, ये सरकार का नुकसान है। सरकार समझे इस बात है। आपका दिल क्या कहता है, सरकार मानेगी? सरकार तो डरी पड़ी है, बोगड़ाई पड़ी है। जो रिश्वत खा रखी है ना पूंजीपति अंशु, वो हजम नहीं हो रही अभी, वो हजम करने के चक्कर में लग रहे हैं अभी। जो जो माल खा रखा ना, जो इन्होंने अपना ईमान धर्म बेच रखा है, अभी इनकी आत्मा जो है ना, अभी इन्हें रात को नींद नहीं आ रही, अभी आ जाएगी धीरे धीरे, कोई ना देखेंगे तक ना आती है। हम तो अड़े बैठे बिल्कुल, आंदोलन अभी चलने वाला इस तरीके से। जब तक सरकार नहीं सुधरेगी, कानून काले कानून वापसी नहीं लेगी, MSP गारंटी कानून नहीं देगी, जब तक लगातार कानून आंदोलन चलता रहेगा। जय जवान। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं कि किसानों का क्या कहना है। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, किसान ही किसान है, सड़कों पे जो है ट्रैक्टरों के साथ जो किसान भाई हैं लगातार मौजूद हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि कैमरामैन आ करके जो पूरा विजुअल से दिखाए किस तरीके से दोनों साइड का जो पूरा रोड है ट्रैक्टरों से ही पूरा भरा पड़ा है। किसानों का आंदोलन है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी दोनों रोड है वो पूरा लगभग किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों से है, वो पूरे तरीके से भरा पड़ा है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक ये आंदोलन चलेगा, किस तरीके से बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ पे चले जा रहे हैं आप लोग? कहाँ के लिए जा रहे हैं? रोड शो करने। हाँ दिखा दे इन्हें, मोदी जी ने दिखा दिया कि हम कछु है का ना है। हाँ हमने ही बनाए। मोदी जी तुम होश में आओ, काले कानून वापस लाओ। हाँ बात मानेगी सरकार? मानेगी कैसे ना, अरे बनाई हमने तो बिगाड़ो हम देंगे। आजादी का सपन हुआ सरकार भारत में, आजादी को भोग रहे साहूकार भारत में। किसानों का जो है लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, हालांकि लगातार 6 से 7 बार जो है वार्ता विफल ही रहा है। किसान ये दिल्ली 26 तारीख वाली ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग लाखों की तादाद में, आप देख लो कितने ट्रैक्टर है। ऐसे ही हम 26 तारीख में जाएंगे जब हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे। पलवल पलवल आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक बिल वापस नहीं होंगे। क्या लगता है सरकार बिल वापस लेगी? हम भी वापस नहीं जाएंगे। हम भी वापस नहीं जाएंगे। तरीके से आप लोग हट रहे हैं? नहीं हटेंगे नहीं। कब तक बात करेंगे? सरकार झुकेगी तो हम हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे बिल्कुल। बिल वापस करेगी जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। किसानों का आंदोलन है, आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो है किसानों ने पूरा जो रोड है वो पूरा जाम कर दिया है। दोनों साइड से जो है नए नए ट्रैक्टर, नए नए जोश, नए नए किसानों के साथ जो है पूरा जमाड़ा लगा हुआ है। किसान भाई जो है पूरी पैराफेरल रोड पे जो है पूरी तैयारी में लगा पड़ा है कि 26 तारीख को जो है रैली के साथ जो है हम सरकार को दिखाने का कार्य करेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DSPO News। धन्यवाद।